अच्छा, तो अब हमारा लास्ट मेथड रह गया है प्रोडक्ट सोर्सिंग का, बाय अली एक्सप्रेस एंड अली बाबा। अब इस प्लेटफॉर्म से कौन लोग सोर्सिंग कर सकते हैं और करते हैं? ठीक है, ऊपर के जो ये पांच प्लेटफॉर्म है, ये एक इंडिविजुअल बंदा जिसकी रेंज इतनी नहीं है वो इनको अवेल कर सकता है। लेकिन रही बात इसकी अली एक्सप्रेस और अली बाबा, तो अली एक्सप्रेस और अली बाबा इन लोगों के लिए होता है जिनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लाखों में होती है। ठीक है, तो अगर आप लाखों में और क्वांटिटी में सामान लेना चाह रहे हैं तो फिर आप अली एक्सप्रेस और अली बाबा से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अली एक्सप्रेस और अली बाबा है क्या, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे खोल ली है अली एक्सप्रेस वेबसाइट और अगले टैब पे खोल लिया अली बाबा। आप चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट दे दें, भाई ये अली एक्सप्रेस और अली बाबा है क्या, तो इसने आपको बता दिया कि अली एक्सप्रेस जो है वो B2C है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। यानी आप अली एक्सप्रेस पे एक आइटम मंगवा सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आपने एक ऑर्डर करनी है आप अली एक्सप्रेस से मंगवा सकते हैं। जबकि अली बाबा क्या है, अली बाबा है B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। अब आप देखें, अगर आप क्वान्टिटी में सामान मंगवाते हैं तो B2B आपको जाना पड़ेगा, यानी कि आपने 1000 पीस मंगवाने हैं, 500 MAU मंगवाने हैं, तो आप अली बाबा से जाके डील कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका एक अलग टॉपिक है कि अली बाबा पे आपने किस तरीके से डीलिंग करनी है, आप यूट्यूब पे कोर्स पढ़े पड़े हैं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी अली एक्सप्रेस और अली बाबा में डिफरेंस। यहाँ लिखा हुआ भी है कि स्मॉल रिटेल क्वांटिटीज, यहाँ पे लार्ज होलसेल क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ग्लोबल शिपिंग। ठीक है, अब इसमें इशू ये आते हैं, इसमें आपको कस्टम क्लियरेंस आ जाते हैं, एक्सपायर टैक्सेस वगैरह आ जाते हैं, जो कि एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ठीक है, जो क्वांटिटी में परचेस करना चाहता है फिर उसके लिए अली एक्सप्रेस और अली बाबा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि क्वांटिटी में परचेस करने के लिए तो अली बाबा पर जाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल रिटेल क्वांटिटी, यानी इंडिविजुअल कस्टमर आप एक आइटम से परचेस कर सकते हैं। अब इसमें भी जो है वो टैक्स वगैरह देना पड़ता है, बाहर से आपका एक चाइना से मंगवाते हैं तो कस्टम क्लियरेंस करने के लिए आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ें हैं, आप जब तक ऑर्डर करेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना टैक्स कटता है, क्या कटता है, कटता है भी है नहीं कटता है, तो आपने ट्राई कर लेना एक मरतबा अली एक्सप्रेस पर ऑर्डर करके। ठीक है, तो अब इनके हम आते हैं वेबसाइट पे, ये है अली एक्सप्रेस। ठीक है, ये है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। अब जैसे कि मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ नेक्स्ट पेन, नेक्स्ट पेन मैंने यहाँ लिखा और सेम मैं इसको कॉपी करके इससे भी जो है वो नेक्स्ट पेन सर्च कर लेता हूँ अली बाबा भी। अब देखेंगे ये मेरे पास नेक फैन आ गया। अब यही नेक फैन जो दराज पे 1000-2000 रुपये का, 1500 रुपये का सेल हो रहा है, अदर मार्केट प्लेसेस पे भी 1500 रुपये का सेल हो रहा है, तो ये जो है वो $1 का सेल हो रहा है। ठीक है, ये जो है देखें, आप देखें $0 पर लिखा है, 0.99 लिखा हुआ है, $1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप ऑर्डर करके ट्राई कर सकते हैं। ये एक पीस $1 कितना हो गया, 280। अगर उसके अलावा आप टैक्सेस वगैरह भी पे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये बन जाएंगे, तो फिर भी आपको सस्ता पड़ा। लेकिन क्या चाइना से आएगा डायरेक्ट? ठीक है, अच्छा एक चीज़ क्लियर कर दूँगा, अली एक्सप्रेस अली बाबा या चाइना की वेबसाइट है, और जो आप दराज से इस्तेमाल कर रहे हैं दराज डॉट, ठीक है, ये भी ही चाइना ही हैंड ओवर किया हुआ है। जितने भी आप दराज पर सामान देखते हैं वो यहाँ अली एक्सप्रेस और अली बाबा से ही दराज पर सेल होते हैं। कुछ सेलर तो ऐसे हैं जो हैं जो चाइनीज सेलर हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब आप दराज पे ऑर्डर करते हैं लिखा होता है 20 से 22 दिन आपको लग जाएंगे, तो वो सप्लायर चाइना का होता है और चाइना से बैठ के आपको पाकिस्तान में सेल कर रहा होता है, समझ रहे हैं? तो चाइना में और जो आइटम सेल कर रहे होते हैं वो हमारे जो होलसेल मार्केट है वो खुद इन से ही परचेस करते हैं, अली एक्सप्रेस अली बाबा से कंटेनर आते हैं, और फिर जो एक आम बंदा होता है इंडिविजुअल जो दराज पे सेल कर रहा होता है वो खुद परचेस करके दराज से सेल कर रहा होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा हेडक्वार्टर जो जहाँ से चीज़ सेल होती है वो ये है अली एक्सप्रेस अली बाबा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल डेप में जाना है तो फिर इसका आखिरी स्टेप ये है, लेकिन इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन आपको मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपने अगर एक पीस करना है तो यहाँ से आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि $1 में लिखा है और फिर शिपिंग में दे रहे हैं, तो ऑर्डर करके ट्राई कर रहे हैं कितनी देर में आता है, कितने टैक्सेस कटते हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा यार कि इससे अच्छा मैं अली एक्सप्रेस से ऑर्डर नहीं कर लूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल दे दिया है, आप देख लें यहाँ पे मिनिमम क्या है। वैसे भी आप अली एक्सप्रेस का अलग से कोर्स आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसके दराज पर आप ऑर्डर करते हैं वैसे आप इस पर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अली एक्सप्रेस और सेम अली बाबा पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। देखें देखें नेक्स्ट फैन पे देखें, ये इतने से इतने डॉलर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे देखना पड़ता है कि कितने जेम लिए हुए इसने, और बीच में जो है वो इससे भी पूरा कोर्स, इसमें एक बैंड होता है, देखें वेरीफाई, ये वेरीफाई है तो आप इससे परचेस करें वरना ना करें, तो ये पूरा एक कोर्स होता है जो कि आपने सीखना पड़ेगा। अगर 4 जेम है, देखें 2 हैं, इस पर मत जाएँ, 4 होने चाहिए मिनिमम, तो बिल्कुल काफ़ी अलग से कोर्स है। जब आप बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर करें तो पहले आप अली बाबा का कोर्स कर लें, या फिर आप कोई 3PL सर्विस ज्वाइन कर लें जो कि आपके लिए काम आसान कर दे, आपको सोर्सिंग करके आपके जो है वो लोकेशन पर डिलीवर कर दे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक था, मैंने आपको कवर कर दिया। तो ये तो हमारा हो गया अली एक्सप्रेस और अली बाबा, तो यहाँ पे जो होती है हमारी जो है वो सोर्सिंग कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे सारे सोर्सिंग के मेथड जो है वो समझ में आएंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है प्रोडक्ट रैंकिंग। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्ट रैंकिंग किस तरीके से होती है।